सो हाई एवरी वन, दिस इज रानी नसीम। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो यार अभी बज रहे हैं शाम के कोई 6 और मैं आ गई थी कॉलेज से कोई 1:30 बजे का टाइम, और उसके बाद मैं थोड़ा आराम कर रही थी और अब मुझे ख्याल आया कि मैंने तो जाना था कहीं, तो मैंने टाइम देखा तो बज गए 6। मैंने कहा चलो रेडी हो जाते हैं, और मेरे साथ जा रही हैं अम्मी, जा रही हैं, और जा रही है मेरी वन एंड ओनली बहन जो कि मेरे साथ उर्दू कंपल्सरी की तरह जुड़ी हुई है। तो इसमें गलत क्या है? जैसे कि आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि मैं किस काम से जा रही हूँ। तो चलो बहन हाय बोलो। आज हम दोनों ने ब्लैक ब्लैक पहना, ये देखें जी, हम दोनों ने आज बिल्कुल ब्लैक ब्लैक पहना। मतलब ऐसे पहना नहीं था, मतलब कि बिल्कुल ट्विनिंग करके, उस नियत से नहीं पहना था कि ट्विनिंग करके पहन रहे हैं ब्लैक ब्लैक, पर जब मैंने बाद में देखा तो मैंने बोला मैंने तो ब्लैक पहना था, तो इन्होंने भी ब्लैक पहन लिया है ना। सो गाइस, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो वो चलती हुई सीढ़ियाँ होती हैं ना, अम्मी उन पर नहीं वो एक्सीलेटर, तो उस पर ना अम्मी नहीं जा सकती, मतलब इनको डर लगती है उस पर जाते, तो इसलिए जो है ना हमें लिफ्ट पे सफर करना पड़ता है। और देखो फिर हमने सारे लोग तो उसके खुशियों में चल रहे हैं। मुझे इस पे इतना डर लगा था, इन्होंने मेरा डर ही निकाल दिया बार बार, मतलब इस पे सफर करा करा के मुझे। ये बहन फिर बैग्स की तरफ आ चुकी है, और मुझे 100% यकीन है कि कुछ लेना नहीं इन्होंने। शिम्बू जी आपके लिए सही है। यार अब मुझे जिस शॉप से मैंने एक दफ़ा पहले करवाई थी ना प्रेसिंग, वो मुझे मिल नहीं रही, वो वाली का तो पता नहीं, पर ये वाली हमें शॉप ठीक लगी है तो हम इधर से ही करा लेते हैं। इधर देखो जरा। आगे की बंद कर दिया, आंखें खोलोगे तो पता चलेगा क्या एक्सप्रेशन है। कुछ नहीं है, दर्द तो नहीं हो रहा, मैं पापा की परी थोड़ी ना हूँ जो निकल रही। इधर देखो, इधर क्या मैं देखूं, अब दर्द नहीं वैसे हुई, वैसे पता नहीं क्यों लड़कियां जो है ना, मैंने काफी वीडियोस देखी थी तो काफी चलिए उसको साफ कब करना है, इसको रोटेट करना है, पॉलीफेक्स लगा के दिन में 2-3 दफा स्क्रीन को घुमाना है, तो 10 डेज के बाद चेंज कर सकते हैं। 10 डेज तक ही रहेंगे ठीक है। अभी तो स्टार्ट में तो कुछ भी नहीं था, तो अभी थोड़े से ये ना हीटअप फील हो रहा है। तो यार अब हमने ना डायरेक्ट घर जाना है, क्योंकि जो मैं कराने आई थी वो तो मैंने करा लिया, तो अब जाएंगे हम सीधा घर। तो यार अब ये ना हल्का हल्का ना दर्द करना स्टार्ट कर रहा है, और शिमा भाजी की विंडो शॉपिंग से खुदा ही बचाए। तो जी भी मैं जा रही हूँ घर, कान मेरे बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गए हैं, पापा की परी तो नहीं हूँ फिर भी दर्द हो रहे हैं, तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को भी करती हूँ एंड। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो। बाय।